भिवंडी उड़ान पुल के नीचे हरियाली, धूल मिट्टी व प्रदूषण से जल्द होगा मुक्त। मुंबई एवं ठाणे के फ्लाईओवर नीचे या रोड के किनारे कई जगहों पर हरियाली से भरे दिखाई देते हैं। उसकी वजह से मुंबई ठाणे स्वच्छ, सुंदर, प्रदूषण मुक्त दिखाई देता है। ये हरे भरे गार्डन जो हम सभी रोड के किनारे या उड़ान पुल के नीचे देखते हैं, इसको सुंदर स्वच्छ बनाने का कार्य महानगर पालिका, यहाँ के बड़ी कंपनियों या बिल्डर डेवलपर सुंदरता के लिए CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी के अंतर्गत करने की इजाजत देती है। इससे शहर इलाका हरा भरा साफ सुथरा होता है, वहाँ पर कोई इलीगल अक्रॉचमेंट भी नहीं हो पाता। इसी कड़ी में अब भिवंडी महानगर पालिका ने CSR एक्टिविटीज के तहत भिवंडी राजीव गांधी उड़ान पुल के नीचे कल्याण नाके से कोणार्क आर्किटेक्ट हरा भरा हरियाली का कार भिवंडी में बिजली आपूर्ति करने वाली टोटोक पावर कंपनी को CSR के अंतर्गत हरा भरा हरियाली करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके रखरखाव की जिम्मेदारी अगले 5 वर्षों तक टोटो पावर कंपनी की होगी। इस गार्डन से शहर में स्वच्छता और हरियाली आने वाले कुछ दिनों में भिवंडी वासियों को देखने को अवश्य मिलेगा। फिलहाल आज इसी हरी भरी हरियाली के कार का भूमि पूजन किया गया। इस खास मौके पर भिवंडी महानगर पालिका आयुक्त विजय कुमार महिसाल, डिप्टी कमिश्नर दीपक झंझाट, सिटी इंजीनियर LP गायकवाड़ एवं महानगर पालिका के अन्य अधिकारियों व टोरेंट पावर कंपनी के जनरल मैनेजर अभिजीत काले, जनसंपर्क अधिकारी सुधीर देशमुख, चेतन बदियानी सहित टोरेंट पावर कंपनी के कई आला अधिकारी मौजूद थे। आने वाले विगत वर्षों में भिवंडी महानगर पालिका और भी कई कॉरपोरेट कंपनी व बिल्डरों को जैसे धामन कर्नाका, अंजुर फाटा, पंजरपट्टी, ST स्टैंड के अन्य इलाकों में इसी तरह के CSR के तहत हरी भरी हरियाली की जिम्मेदारी उनको प्रदान कर सकती है। भिवंडी वासियों को कुछ हद तक प्रदूषण पुल के नीचे उड़ने वाली धूल मिट्टी से निजात जरूर मिलेगी। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका म्युनिसिपल लिमिट में शहर सौंदर्यीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो GR निकाला था, सर्कुलर निकाला था, उसके मुताबिक हमने शहर में जो बड़ी कंपनीज है, डेवलपर है, उनका एक मीटिंग लिया था। उनको इसमें शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो टोरेंट कंपनी ने ये राजीव गांधी चौक से लेकर हसीन टॉकीज तक ये फ्लाईओवर के नीचे जो भी है इसमें ब्यूटिफिकेशन के लिए सहयोग दिया है, और इसके लिए ब्यूटिफिकेशन के लिए अभी जो इनाग्रेशन हुआ शहर में और कई जगह पे साई बाबा से लेकर वंदारपट्टी तक फ्लाईओवर के नीचे जो जो डेवलपमेंट करना है उसके लिए बहुत सारे डेवलपर आगे आए हैं। उनका प्लान डिज़ाइन देख के हम सैंक्शन दे देंगे और ब्यूटिफिकेशन के लिए हमारा ये प्रयास है। नहीं, ये 3 साल के लिए मैं खुद मेंटेन करने वाले हैं और ऐसा हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। टॉरेंट करेंगे। जो जो डेवलपर को हमने दिया है, कंपनीज को दिया है, उनसे एग्रीमेंट कर लेंगे, 3 साल के लिए वही मेंटेन करेंगे। नहीं, ये इसका काम तो हम आज रात से स्टार्ट होने वाला है। और ये ब्यूटिफिकेशन में जो मेंटेनेंस के बारे में जो बोला है सामने, जो अभी बताया है, तो ये 5 साल के लिए टोरेंट पावर खुद यहाँ इसका मेंटेनेंस करने वाले हैं। और इसमें मेंटेनेंस में यानी डे टू डे जो देखभाल करना है, जो यानी वहाँ पौधे वगैरह उसको पानी देना, साफ सफाई रखना, नो डाउट इसके लिए बाकी हमारे रविवार आप सबकी तो इसमें हमें हेल्प लगने वाली है, लेकिन हम कंपनी की तरफ से पूरा इसका देखभाल करेंगे। रहा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो हमारी महानगर पालिका उनके तरफ से वो भी देखभाल करेंगे। ऐसा सब मिलकर हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। यस, अभी ये तो शुरुआत है, तो आगे चल के अपन देखेंगे, लेकिन ये सब साथ मिलके सब करते ही जाएंगे ना। हम भी इधर रहने वाले, साहब भी इधर और आप भी इधर ही हो, तो हो जाएगा ऐसा। ओके।